हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ स्कोपलस। मैं हूं आपके मैथ्स एजुकेटर जुहा। स्टूडेंट्स, ये सेशन हम लोग स्पेशली आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम सारे एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बिकॉज चैप्टर तो आपने अपनी बुक से, टेक्स्ट बुक जो भी आपके स्कूल्स में चल रहे होंगे उससे आपने प्रिपेयर कर ही लिया होगा। बट एग्जाम्पलर इज बेसिकली फॉर योर प्रैक्टिस, और इसके क्वेश्चंस की वैरायटी भी काफी अच्छी है। तो हम सारे ही एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, कोई भी सॉल्यूशन मिस नहीं किया जाएगा। सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी मैं सॉल्यूशन में, और इसे हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे और एक्सरसाइज वाइज, ठीक है। लाइक हर सेशन में पॉसिबली एक एक एक्सरसाइज कोशिश की जाएगी कि कम्प्लीट कर ली जाए, बिकॉज क्वेश्चंस काफी ज्यादा अमाउंट में भी है आपके। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक सेशन में आपकी पूरी एक एक्सरसाइज कम्प्लीट कर ली जाए। एंड इफ अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पूछना है या आपको किसी सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सो आज का सेशन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 1 से, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नंबर सिस्टम, ठीक है। अब जो बेसिक क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, क्वेश्चन का, वो इस तरीके से है कि फर्स्ट हम लोग MCQs डिस्कस करेंगे, देन हम कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो रीजनिंग और लॉजिकल बेस्ड होंगे, देन हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। सो आज हम इस सेशन में सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके इस चैप्टर में इंक्लूडेड हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, एंड दैट टू फ्रॉम योर एग्जाम्पलर बुक, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द सैंपल क्वेश्चन फर्स्ट। सैंपल क्वेश्चन आपको एक आइडिया दे देगा कि आपकी इस एक्सरसाइज में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, लाइक अगर MCQ भी आना है तो वो किस तरीके से आना है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, ओके, आपको ये दिया गया है, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके बराबर नहीं है। सो फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सॉल्व इट। देखिए, हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एक आंसर आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर मत बताओ, ये बताओ कि कौन सा आंसर नहीं है। सो हमें क्या करना होगा, हमें अपने आंसर्स को सॉल्व करना होगा, ठीक है। अगर हमारा आंसर इससे मैच करेंगे तो वो है, तो जो नहीं मैच करेगा वो हमें मिल जाएगा। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब ये देखो, ये पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसमें और कुछ सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करें, अपने क्वेश्चन जो दिया है ना, पहले इसको सिंप्लीफाई करके रख लेते हैं। सो अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 5/6, ठीक है। ये पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है, रूल्स याद होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस चैप्टर में जितने भी आपके इंडेक्स के रूल्स है वो सारे याद होने चाहिए आपको। सो पावर के ऊपर पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे आपको मिला 1/30 -1। अब आप देखो, 5/6 पावर 11/56 है, यहाँ -1/30। क्या ये पॉसिबल है कि ये ऑप्शन सही हो, नहीं। सो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका वो ऑप्शन है जो सही नहीं है। अब जब हमें सही नहीं मिल गया है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम बी सी और डी को चेक करें, बट फिर भी अगर आप चाहते हो तसल्ली के लिए तो हम चेक कर सकते हैं। लाइक सी, यहाँ पे जब देखो, सो -1/6 है, पावर अगर नेगेटिव या पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये सही है। इस पे आ जाते हैं तो देखो, मैंने सॉल्व किया है, -1/30 आ रहा था। अगर हम इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं तो हम इसे रिवर्स कर सकते हैं 6/5, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, फिर ट्रू हो जाता है। लास्ट ये आपका है, तो ये तो वैसे ही है जो मैंने सॉल्व करके दिया। तो ये तीन ऑप्शंस आपके पास ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए आपका ऐसा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का आंसर पॉसिबल नहीं है। लेट्स चेक कौन सा आंसर आपका राइट है। सो यस, ऑप्शन नंबर ए, हियर इज द आंसर रिटन, ये आपका राइट आंसर है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। Every rational number is, हर rational number given option में आपको बताना है, क्या हर rational number natural होता है, क्या हर rational number integer होता है, क्या हर rational number real number होता है, क्या हर rational number whole number होता है, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए ना मैं आपका एक diagram बनाने जा रही हूँ, Venn diagram जिसको हम कहते हैं, जिससे आपको ये numbers का कोई भी question, चाहे ये question हो या फिर कोई और क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे। सपोज ये हमारा रियल नंबर है, ठीक है, ये बॉक्स हमारा रियल नंबर है, यानी कि इसके अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे क्या होंगे, रियल नंबर। अब इस रियल नंबर के बॉक्स में हम दो बॉक्स और बनाते हैं, चाहे आप सर्कल बनाओ चाहे स्क्वायर बनाओ, नो इशू, ठीक है। दो बॉक्स और आ जाते हैं, ठीक है। अब ये बॉक्स कैसे है, ये आपका एक है रैशनल नंबर का, ये जो बॉक्स है ना रियल नंबर के अंदर, दिस इज ऑफ रैशनल नंबर,
एंड दिस इज ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आपको तो पता ही है इरेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। नाउ विद इन रैशनल नंबर देयर इज अनदर बॉक्स। ठीक है, ये एक और बॉक्स है, और ये किसका है आपका, ये बॉक्स है आपका इंटीजर्स का। ठीक है, ये बॉक्स किसका है, ये बॉक्स है आपका इंटीजर्स का। इस बॉक्स में आपके दो डिविजन हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर। ठीक, अब पॉजिटिव इंटीजर के अंदर एक और बॉक्स आ जाता है, किसका, होल नंबर का, किसका, होल नंबर का। ठीक है, अब उसके भी अंदर एक और बॉक्स आ जाता है, वो किसका होगा, वो हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर का। ठीक है, सो नाउ दिस डायग्राम इंडिकेट्स कि हर इरेशनल नंबर और हर रैशनल नंबर कौन होगा, रियल नंबर होगा। हर नेचुरल नंबर कौन होगा, रियल नंबर होगा। हर होल नंबर कौन होगा, वो भी रियल होगा। हर नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा, वो भी रियल नंबर होगा। बट अगर मैं स्टेटमेंट ऐसे पूछना शुरू कर दूं कि क्या हर नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, ठीक है, सो हर नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, लेकिन अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि क्या हर रैशनल नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर तो निगेटिव इंटीजर भी है। अगर निगेटिव इंटीजर को हम नेचुरल कहेंगे तो क्या सही होगा, नहीं, गलत हो जाएगा। तो आपको कैसे इस डायग्राम को अपने दिमाग में रखना है और इससे चीजें समझनी है कि जब तक कोई किसी के अंदर आता जा रहा है तब तक चीजें ट्रू होती रहेंगी, लेकिन अगर हम अंदर से बाहर चलना शुरू कर देंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी। लाइक सपोज अगर मैं आपको ये कह दूं कि हर इंटीजर रैशनल नंबर है, सो यस इट इज ट्रू, बट अगर मैं ये कह दूं कि हर रैशनल नंबर इंटीजर है, सो देन इट इज फॉल्स। ओके, सो इस डायग्राम को अगर आप याद रखोगे तो आपके कभी भी ट्रू फॉल्स या इस तरीके के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। सो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट यस एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ओके, लेट्स चेक द आंसर। सो यस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर के बीच में फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि कोई रैशनल नंबर नहीं होता। ओके, सेकेंड कह रहा है कि एक ही रैशनल नंबर होता है। ओके, थर्ड कह रहा है कि बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, और फोर्थ कह रहा है कि खाली रैशनल नंबर होते हैं, कोई इरेशनल नंबर नहीं होता। ओके, चलिए हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। हमने लिया वन और टू, ठीक है, क्या इसके बीच में हम कोई रैशनल नंबर डाल सकते हैं? ऑफ कोर्स डाल सकते हैं। रैशनल नंबर किसी के बीच में डालने का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि भाई दोनों को प्लस करके टू से डिवाइड कर दो, ये हो गया 3/2। ये रैशनल नंबर नहीं है, बिल्कुल है, क्या है 1.5, अगर डेसिमल में करो तो 1 और 1, 2 के बीच में ही आ रहा है ना। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे कर ले 1.4, तो 1.4 को 14/10 यानी कि 7/5 भी वह रैशनल नंबर है, बिकॉज ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट जीरो। ओके, इस तरीके से 1 और 2 के बीच में हम क्या ले सकते हैं, 1.07 ले सकते हैं, ये भी हो जाएगा 107/100, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो मैं आपको यहाँ पे क्या समझा चुकी हूँ, मैं आपको ये समझा चुकी हूँ कि पहला ऑप्शन तो कतई सही नहीं हो सकता, बिकॉज कह रहा कोई रैशनल नंबर ही नहीं होगा, यहाँ तो 2, 3 और भी हम चाहे तो निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली 1, ये भी गलत हो गया। और उसके बाद जो ये कह रहे हैं कि इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स, सो यस दिस ऑप्शन इज पॉसिबल, आप जितने चाहो निकाल सकते हो, 1.007 कर लो, 1.725 कर लो, 1.925 कर लो, मतलब देयर आर प्लेंटी ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। सो यू कैन से दैट बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है लास्ट ऑप्शन कि खाली रैशनल नंबर कोई इरेशनल नंबर नहीं होगा, तो ये गलत बात है, आपका इरेशनल नंबर भी आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप देख दो, सबसे पहले तो इसका आंसर देख ले हम लोग कि सही है कि नहीं। सो यस, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है? तो इसके लिए मैं आपको एक बार पूरा रिवाइज करवा देती हूँ कि कैसे कैसे हो सकता है। तो देखो, रैशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो हो सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो इट कैन बी टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड इट कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग ऑल्सो। ठीक है,
हो सकते हैं, बट देयर इज अ कंडीशन इन नॉन डोमिनेटिंग कि नॉन डोमिनेटिंग में ये आपका क्या होगा, नॉन डोमिनेटिंग में ये आपका रिकरिंग होगा। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग होगा, रिपीट करेगा, ठीक है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग सिर्फ इरेशनल नंबर की कंडीशन होती है। चले अब टर्मिनेटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ, लाइक आपका 1.4, दिस इज टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, 1.41414 एंड लाइक दिस। आप इस पे बार लगा दो तो ये बार आपको ये इंडिकेट कर देगा कि ये जो नंबर है ना ये रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है। सो ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं, तो इसका मतलब अब आपके क्वेश्चन पे आ जाए तो क्वेश्चन कह रहा है कि टर्मिनेटिंग तो ये तो सही है, ट्रू है, नॉन टर्मिनेटिंग ये भी ट्रू है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये भी ट्रू है। तो सिर्फ ये ऑप्शन ऐसा है जो नहीं हो सकता रैशनल नंबर के लिए कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता, ठीक है। चेक कर लेते हैं आपका ये ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन है। सो लेट्स सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन 4, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स। सो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि आप ये बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि किसी भी दो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इरेशनल होगा। तो चलिए इसके पहले इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया अंडर रूट 2 का और इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंडर रूट 3 से। नाउ अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिए जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो सो आपका आंसर्स क्या होंगे उसी हिसाब से होंगे। लाइक देखो अंडर रूट 2 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन लें तो ये होता है 1.214 और ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब चलता ही रहता है, ठीक है। उसी तरीके से आपका अंडर रूट 3 का क्या होता है 1.7321 और ये भी कभी खत्म नहीं होता। तो अगर दो ऐसे नंबर्स लिए जिनका जिनका जो आंसर है डेसिमल एक्सपेंशन है वो कभी ना खत्म होने वाला है, तो इनके मल्टीप्लीकेशन पे जो आंसर आपको मिलेगा वो कभी खत्म होगा क्या, वो भी ऐसा होगा जो कभी खत्म नहीं होगा, लाइक इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग बिकॉज दे आर नॉन रिपीटिंग, ओके। सो इसका मतलब हमें एक चीज यहाँ पे ये मिली कि अगर हम दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आंसर मिलेगा, दैट मीन्स कि इरेशनल आंसर मिलेगा। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अंडर रूट 2 को अगर आप अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आपको क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 2। सो ये क्या है, क्या ये एक रैशनल इरेशनल नंबर है, नहीं ये एक रैशनल नंबर है। सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि डिपेंड करता है हम सेम इरेशनल नंबर ले रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए या डिफरेंट इरेशनल, अगर डिफरेंट लोगे तो इरेशनल आंसर होगा, अगर सेम लोगे तो रैशनल होगा। सो फर्स्ट जो ये ऑप्शन है कि ऑलवेज एन इरेशनल ये गलत हो गया, सेकेंड ऑलवेज रैशनल ये भी गलत हो गया, ऑलवेज एन इंटीजर इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है, लास्ट आपका सही हो जाएगा क्या कि कभी हमारा रैशनल हो सकता है और कभी हमारा इरेशनल हो सकता है। सो लेट्स सी द आंसर, सो यस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर अंडर रूट 2। इस क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट 2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। अब आपने अगर याद हो कि अंडर रूट 2 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, तो अंडर रूट 2 का डेसिमल एक्सपेंशन देखो हम अगर नहीं याद हो तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ पे कि कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, विद इन स्क्वायर रूट और विद इन क्यूब रूट इफ देयर इज अ प्राइम नंबर देन इट इज अ डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर कि आपके अगर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है तो वो इरेशनल होगा। सो यहाँ से हम ये समझ गए कि सिंस इट इज अ प्राइम नंबर एंड इट इज विद इन स्क्वायर रूट सो इट नीड्स टू बी इरेशनल। जब आपको ये क्लियर है कि ये इरेशनल है सो फाइनाइट डेसिमल मिलना नॉट पॉसिबल, ये भी देखो एक जगह आपके खत्म हो गया तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात कर रहा है, इरेशनल कभी भी रिपीटिंग नहीं होता सो ये ऑप्शन गलत हो गया, सिर्फ आपके पास एक लास्ट ऑप्शन सही है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ओके। सो लेट्स चेक द आंसर, यस आंसर डी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन इरेशनल है, तो इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलो पहले ऑप्शन को करते हैं, भाई 4 परफेक्ट स्क्वायर है बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से 2 और 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, तो ये कैसा हुआ रैशनल, ठीक ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट आपका है 12, अब 12 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन अगर हम इसको ब्रेक कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 में
हमारे ब्रैकेट के बाहर 2 आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर 3 बचेगा, और ये डिवाइड होके 2 आ गया, विच इज अ रैशनल नंबर. ऑप्शन गलत हो गया. नेक्स्ट आ जाओ अंडर रूट 7. अंडर रूट 7, 7 क्या है? प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर विद इन स्क्वायर रूट कैसा होता है? इरेशनल होता है. इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही है. ओके, लेट्स चेक द आंसर. यस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? इनमें से कौन इरेशनल है? इरेशनल की कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. फर्स्ट टर्मिनेट हो गया, नहीं हो सकता. सेकेंड टर्मिनेट हो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीटिंग है तो ये नहीं हो सकता. दूसरा भी टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीटिंग है, नहीं हो सकता. सिर्फ एक ये लास्ट ऑप्शन है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड इवन नॉन रिपीटिंग. आप देख रहे हो यहाँ पे एक बार जीरो, यहाँ दो बार आ गया, यहाँ तीन बार आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है. सो यही ऑप्शन राइट है. लेट्स चेक द आंसर. ऑप्शन नंबर डी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रैशनल नंबर बिटवीन अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3. मतलब आपको इस दो अंडर रूट, दो इन रैशनल के बीच में एक रैशनल निकालना है. अब निकालना भी नहीं है, आपके पास तो ऑप्शन गिवन है ना. देखो, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 के बीच को अगर आप प्लस करके 2 से भी डिवाइड कर दोगे तो एक इरेशनल नंबर को 2 से डिवाइड करोगे, आंसर इरेशनल होगा. दैट मींस ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट आ जाओगे, ये भी एक मल्टीप्लीकेशन मैंने अभी आपको दिखाया कि इरेशनल होगा. इरेशनल को 2 से डिवाइड, अगेन इरेशनल. ऑप्शन पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट आ जाओ 1.5. अब हम ये कैसे चेक करें? देखो, 1.5 का मतलब हो गया 15/10, या 15/10 नहीं भी लिखते हैं, ऐसे ही समझ लेते हैं. 1.5 कैसे आ गया, क्या ये सही होगा कि नहीं? देखो, अब इन दोनों को ना हम डेसिमल लिख लेते हैं. डेसिमल एक्सपांशन जो होता है, बस दो दो डिजिट तक. ये हो जाएगा 1.214 होता है आई थिंक, तो 1.21 ठीक है. और ये होता है 1.7321, तो 73 ठीक है. मतलब अगर हम देखें तो हमें 1.2 और 1.7 के बीच का अगर कोई आंसर मिलता है तो वो इन दोनों के बीच का हो जाएगा. तो 1.5 इनके बीच का है कि नहीं? ऑफ कोर्स है. तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो गया. ये भी आपका रैशनल नंबर ही है, ये भी रैशनल नंबर है, बट अगर दो रैशनल आ गए तो फिर तो आपको चेक करना पड़ेगा. अगर एक ही आता तो तुरंत इसको टिक कर देते, यही आंसर सही होता, बट दो आ गए तो आपको ये चेक करना पड़ेगा. आप देखो 1.8 तो बड़ा हो जाता है अंडर रूट 3 से, तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका आंसर. सो ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. द वैल्यू ऑफ 1.999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0. क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 1.999 एक, ये कैसा नंबर है? ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है. आप इसे फॉर्म बाई पी बाई क्यू का फॉर्म बनाओ जिसमें क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए. सो इट्स वेरी इजी. क्वेश्चन कह रहा है इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को रैशनल फॉर्म में, मतलब अपने पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करो, या डेसिमल के फॉर्म में दिया. बस इतना समझ लो कि सिंपल भाषा में क्वेश्चन आपसे कह रहा है डेसिमल को किसमें कन्वर्ट कर दो? रैशनल में कन्वर्ट कर दो. अब इसका ना एक सेट पैटर्न है, सेट तरीका है जिससे हम सॉल्व करते हैं, और हमेशा इसी से सॉल्व करते हैं. क्या करना है? सबसे पहले ये देखो कितने डिजिट्स बार पॉइंट लग रहा है, यानी कि कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. देखो 1.9 पे अगर हम बार लगा दें, बिकॉज इसका यही तो मतलब है ना, 1.9 बार 9 रिपीट हो रहा है. सो बार कितने डिजिट पे है? बार आपका 1 डिजिट पे है. तो अगर 1 डिजिट पे है तो इसका मतलब आपको 10 से मल्टीप्लाई करना. अगर बार आपका 2 डिजिट पे होगा तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से. बार 3 डिजिट पे होगा तो किससे करोगे? 1000 से. तो फर्स्ट आप क्या एज्यूम कर लो, लेट x इज इक्वल्स टू दिस. ठीक, इसके बाद हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. मैंने बता दिया 10 क्यों चूज करा. अब जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1.9999 समथिंग. ठीक है, उसके बाद इसे मान लो कंडीशन 1, इसे मान लो कंडीशन 2. नाउ अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस. व्हाट वी विल डू? वी विल डू सेकेंड माइनस 1. इन दैट केस व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 9x बाई 10x को x से माइनस किया 9x. और इसको थोड़ा ना इधर रफ में देखो, 19.999 से 1.999 माइनस करोगे, आंसर क्या आएगा? 18.000. ओके, चाहे जितने आगे लेते चले जाओ सब जीरो हो चले जाएंगे. तो 9x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिला? 18. तो x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिला? 2 मिला. ओके, सो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन कौन है? कि ये 2 का डेसिमल एक्सपेंशन था. चलिए आंसर देख लेते हैं. आंसर आपका सी राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? अब आपको यहाँ पे हम देखो अंडर रूट 3 ना, जैसे अंडर रूट 3 है ना, तो इसको एक वेरिएबल की तरह कंसीडर करो. बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो ये चीज नहीं कर पाते या गलत कर देते हैं. सो आप इसे कैसे करो? आप इसे ना एक वेरिएबल की तरह ट्रीट किया करो कि भाई अंडर रूट 3 नहीं है, वो x है. अब बताओ 2x में x जोड़ोगे क्या आंसर आएगा? 3x आंसर आएगा. ये तो अलजेब्रा का पोर्शन है, बहुत ईजी है.
अगर ये एक्स अंडर रूट 3 था तो यहाँ क्या आंसर आएगा, 3 अंडर रूट 3, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 सी। और एक और भी तरीका है इसको करने का, क्या तरीका है, लाइक अंडर रूट 3 कॉमन ले लो तो आपका क्या बचा, विद इन ब्रैकेट 2+1, तब भी ये 3 अंडर रूट 3 आया। सो दोनों तरीका है, आप वेरिएबल एज्यूम करके इसको समझ लेते हो, अपने दिमाग में कर लेते हो तो भी सही, आप कॉमन लेके करना चाहते हो तो भी सही। ओके ऑप्शन देख ले कौन सा सही है, सो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 10 मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 इज इक्वल टू, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए देखते हैं, अब इसके लिए आप क्या करो, देखो अंडर रूट 10 और अंडर रूट 15 यानी कि दो अंडर रूट मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तो 15 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपको आ गया स्क्वायर रूट 150। अब स्क्वायर रूट 150 है तो 150 के फैक्टर्स निकाल लो, ये हो जाएगा आपका 75। अब आपका ये किससे जाएगा, 5 15 5 3 और ये 3। अब देखो किसका पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, इसका मतलब 5 बाहर आ गया, विद इन ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर क्या बचा, 3 और 2 यानी कि 6। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ओके चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर आंसर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रैशनलाइजिंग, नाउ व्हाट इज रैशनलाइजिंग, रैशनलाइजिंग का मतलब होता है, रैशनलाइज मैंने आपको बताया भी था, नो आई थिंक ये हमारा फर्स्ट लेक्चर, अभी इसमें नहीं बताया था। चलिए रैशनलाइज के बारे में बात कर लेते हैं कि रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है। रैशनलाइज करने का तरीका ये है कि जब आपके डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट आ जाए, तो जैसे हमने ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा हुआ है रैशनल नंबर का, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है रैशनल नंबर का, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि कभी भी जो निगेटिव होगा ना वो डिनोमिनेटर के साथ नहीं होना चाहिए, वो हमेशा किसके साथ होगा, न्यूमरेटर। और दूसरी बात क्या कि हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि उनका कॉमन फैक्टर कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रैशनल नंबर का। वैसे ही अगर स्क्वायर रूट कभी नीचे आ जाए तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा कि कभी भी स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, अगर है तो हम उसे रैशनलाइज करेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनलाइजिंग ओवर हियर, इसका मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर में आपका दिया गया है उसे आप क्या करो, विद साइन को चेंज करने के बाद, यानी कि माइनस था तो प्लस करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करो, इसे कहते हैं रैशनलाइज करना, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, जो डिनोमिनेटर में है आपका उसे आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो लेकिन साइन को चेंज करके, ठीक। अब आ जाओ, अब मल्टीप्लाई करते हैं, दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने का या दो रैशनल को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। सो जब 1 से 7 अंडर रूट 7+2 को करोगे कोई फर्क पड़ना है क्या, नहीं पड़ना है। लेकिन जब यहाँ आओगे बेटा तो ये देखो क्या हो रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो मतलब हम यहाँ पे लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, लगा दो तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या मिला, अंडर रूट 7+2/3, देखो इससे क्या हो गया, इससे हमारा नीचे से स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। लेकिन इसको करने का सेम यही तरीका है तो इसे याद रखिएगा, ठीक है, और साइन चेंज करना जरूर याद रखिएगा। ना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाता है। Let's see the answer. Answer A is right answer. Next question. Question number 13. 1 upon under root 9 minus 1 under root 8 is equals to. Now again, नीचे आ गया आपका square root. तो हमें से क्या करना है? हमें से rationalize करना है. So let's rationalize. क्या करें? Square root 9. चाहो तो ऐसे ही लिख लो. नहीं चाहो तो आप इसको 3 भी लिख सकते हो. ठीक है? अभी हम rationalize कर रहे हैं. Square root 9 plus square root 8. और नीचे भी square root 9 plus square root 8. मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 8, नीचे लग जाएगी आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। क्या बचा आपका, स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 8, इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, और चेक कर ले, सो यस ऑप्शन डी इज द राइट वन। नेक्स्ट आप देख लो क्वेश्चन 14, After rationalizing the denominator of this, we get the denominator. ठीक है, आपको rationalize करना है इनको और सिर्फ इतना बताना है कि इनका denominator क्या आता है। तो चलिए rationalize कर लें, ये हो जाएगा 7, 3 under root 3 minus 2 under root 2. Denominator क्या है, 3 under root 3 plus, change कर दो sign, 2 under root 2, ये हो जाएगा 3 under root 3 plus 2 under root 2. उसके बाद अब क्या करो, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, चलो कर देते हैं, क्या आएगा 7, बाहर ही रखो अभी करने की जरूरत नहीं, अंदर नीचे हमारी लग जाएगी आइडेंटिटी। सो 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 9 मल्टीप्लाई 3 हो गया आपका 27। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 2 का 2, तो 4 मल्टीप्लाई 2 हो गया 8।
नीचे आपके पास क्या आ रहा है, 3√3, 2√2, नीचे आ गया आपके पास 19। ठीक है, क्वेश्चन कुछ कट तो नहीं सकता, नहीं कट सकता, 7 19 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, सो इसका मतलब आपका डिनोमिनेटर क्या है, 19, विच इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स चेक द आंसर, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 32 एंड दिस, जो भी आपका ये दिया गया है इसकी वैल्यू आपको बतानी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले क्या कर लो, सबसे पहले ना, क्योंकि ये देखो 32 है, 48 है, ये अपने प्राइम फैक्टर्स के पावर में नहीं है, सो आप इनको सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टर्स के पावर में कन्वर्ट करो। लाइक 32 किसकी पावर में कन्वर्ट हो जाता है, 2 की पावर 5, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 की पावर 5 हो गया ये। उसके बाद 48 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 48 के लिए चलो निकाल लेते हैं, सो ये हो जाएगा 24 12 6 3, और ये हो गया 3, यानी कि आप इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक, नेक्स्ट नीचे आ जाओ, ये हो जाएगा 2 की पावर क्यूब, और ये हो जाएगा आपका 4 3 12, यानी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका, अगर देखो हम स्क्वायर रूट है तो हम उसको 1/2 के फॉर्म में पावर लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4/2, और मल्टीप्लाई में है आपका, तो मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हो 3 की पावर 1/2। एनी डाउट, आई डोंट थिंक सो, होना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3/2, यहाँ पे आपका हो गया 2 की पावर 2/2, और यहाँ पे आपका हो गया ये मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई कर लो, इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल सकता है, देखो 2 की पावर 5/2 आपके पास है, देन आपके पास यहाँ पे है 2 का, भाई ये डिवाइड हो जाएगा ना, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका 3 की पावर 1/2, या अंडर रूट 3 लिख लो, ऐसे लिख लो, ज्यादा इजी लगता है। फिर ये हो गया आपका 2 की पावर 3/2 + 2, और ये अंडर रूट 3। ठीक है, अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड खोलेंगे तो आंसर शो हो जाएगा, तो यही करते हैं। फिर से लिख लीजिए 2 की पावर 5/2 + 2 स्क्वायर अंडर रूट 3, दूसरा था आपका 2 की पावर 3/2 + 2 अंडर रूट 3। ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, अगर क्या हम 2 की पावर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, देखो मैं बता रही हूँ, 5/2 इसको आप क्या ऐसा नहीं लिख सकते 2 की पावर स्क्वायर + 1/2, ये पावर में है पूरा, लिख सकते हो ना, तभी तो ये 5/2 ही आएगा। तो उस तरीके से हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि फिर हमें 2 का पावर जो स्क्वायर है ना, वो बाहर कॉमन मिल जाएगा। सो लेट्स टेक दैट 2 की पावर स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे आपका बचा 2 की पावर 1/2, और ब्रैकेट में आपका बचा √3 या 3 की पावर 1/2, एक ही बात है। इसी तरीके से नीचे आप क्या कर लो, 2 की पावर 3/2 को क्या बना लो, 2 की पावर 1 + 1/2। ठीक है, क्या बनाना है हमें, फिर से लिख देती हूँ, ये हो जाएगा आपका 1 1 + 1/2, 3 की पावर 2 ही होगा, तो इससे क्या होगा, हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 2 की पावर 1/2 + √3। अब देखो ये ही आपका क्या हो गया, कट गया, यहाँ से एक 2 कट जाएगा, फाइनल आंसर आपको क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस में आपके पास 2 अवेलेबल है, यस ऑप्शन नंबर बी अवेलेबल है, तो यही आपका राइट ऑप्शन हुआ। लेट्स चेक द आंसर, सो यस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू दिस, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर रैशनल नंबर, रैशनल और इरैशनल नंबर, रैशनल ही होगा, बिकॉज देखो सारे आंसर आपका क्या आ रहे हैं, रैशनल ही आ रहे हैं। चलो इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं हम लोग। सोल्यूशन निकालने के लिए आप सबसे पहले देखो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो नीचे आ रहा है ना स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 + 1, सबसे पहले इसको रैशनलाइज करके नीचे से स्क्वायर रूट को गायब करेंगे हम, तो ये हो जाएगा √2 - 1, √2 + 1 किससे मल्टीप्लाई करें, √2 - 1, √2 - 1 से। ठीक है, बगल में सॉल्व कर रहे थे, ऊपर क्या हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी लग जाएगी a² - b², तो ये हो जाएगा 2 - 1। अब देखो ये स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट आपका क्या हो गया, हट गया, और नीचे 1 आया, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। सो आपके पास एट लास्ट क्या बचा, √2 - 1, √2 की वैल्यू आपको पता है 1.4142 - 1, क्या हो जाएगा 0.4142 आपका आंसर है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, लेट्स चेक इट, सो यस ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अब आपको बताना है कि ये किसके बराबर है। ठीक है, तो बस क्या करो, इनकी पावर्स को 1/1/1 करके स्क्वायर रूट हटा कर उसके 1/1 कर दो, हो जाएगा आपका। देखो जैसे कि अगर हम पहला वाला हटाते हैं, 4 हटाते हैं, तो स्क्वायर रूट 2 और क्यूब रूट 2 ये बन गया 1 की पावर
ठीक। उसके बाद आप क्यूब हटा दो, जब क्यूब हटा दोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 1 की पावर 4 × 1 की पावर 3। क्या हो गया, सिंप्लीफाई कर लो, 2 से 2 कट गया, ये हो क्या बचा आपके पास 2 की पावर 1/6। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, चेक कर लीजिए आंसर, सी आंसर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 18, इसमें आपको क्या निकालना है, इनके प्रोडक्ट सेम तरीके से आप निकाल सकते हो, लेकिन सबसे पहले क्या कर लो, अगर प्राइम फैक्टर्स नहीं है तो उनको प्राइम फैक्टर्स की पावर में कन्वर्ट कर लो। लाइक ये तो है 2 का, और कोई प्राइम फैक्टर तो बनाएंगे नहीं, ये भी है √2 की पावर 4, मतलब 4 टाइम्स इसको वो करना है, और 32 नहीं है तो इसको कर लो 2 की पावर 5 और यहाँ पे 12। अब हम सबको क्या बना ले, 2 की पावर 1/3, इसको बना ले 2 की पावर 1/4, इसको बना ले 2 की पावर 5/12। अब आपको पता है बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड, तो 2 की पावर हो जाएगा 1/3 + 1/4 + 5/12। इसको ऐड करोगे एलसीएम लेके, क्या आया आपके पास, नीचे एलसीएम हो गया 12, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 5, यानी कि 12/12 विच विल डिवाइड एंड विल गिव यू 1। ओके, तो इसका मतलब आपके पास आया 2 की पावर 1 विच विल गिव यू आंसर अल्टीमेटली 2। सो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, लेट्स चेक इट। सो यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ये आपको इसकी वैल्यू निकालनी, पावर को क्या कर लो, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर बनाओ इसके, उसके बाद हम पावर हटा देते हैं। लाइक 4√ आपका ये दिया है 81, ये किसका हो जाएगा 3 की पावर 4 बन जाएगा। ठीक, अब पावर्स पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये आपका हो गया 3 की पावर -8। अब हटा दो इसको, जब हटाओगे तो ये हो जाएगा -8/4, डिवाइड कर लो क्या आया 2, यानी कि 3 की पावर -2 विच इज 1/9, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन है, लेट्स चेक इट, यस ऑप्शन ए इज द राइट वन। ओके, लेट्स सी द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द क्वेश्चंस वर वेरी इजी, ठीक है, वन गो में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट आपका है कि इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है, अब देखो बेस सेम है तो पावर्स विल एड अप, सो 256 पावर एड हुई 0.16 + 0.09, क्या देगा एड होने के बाद, ये देगा आपको 0.25। ओके, उसके बाद आप इसको पावर को डेसिमल को कन्वर्ट कर लो, देखो 0.25, पॉइंट हटाओगे 100 आ गया, 4 टाइम्स चला जाएगा, मतलब ये क्या है आपका 1/4, यानी कि अब अगर आप इसको देखो प्राइम फैक्टर्स में तो है नहीं, लेकिन अगर नहीं भी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, ये होता है 2 की पावर 8, आप चेक करके देख लेना। सो 2 की पावर 8 बाहर आपका 1/4 है, 4 इसको 2 को डिवाइड कर देगा, 8 को डिवाइड कर देगा, आपके पास बचा 2 की पावर स्क्वायर, दैट मींस 4 विल बी द आंसर। सो दैट मींस ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन है। ओके, सीधा ऑप्शन, यस ऑप्शन ए आपका राइट है। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, जिसमें हमने पूरी 1.1 एक्सरसाइज को कम्प्लीट कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स, इनमें से कौन एक्स के बराबर है, ठीक है, तो इसके लिए आपको सारे ऑप्शंस को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट इस ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, देखिए अब इस ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, वही पावर ब्रेक वाला रूल लगा लो, लाइक 12/7, बिकॉज और तो कुछ कर नहीं सकते, 5/7 है रिमाइंडर, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है तो हो सकता है ब्रेक हो जाए, तो अगर हम इसमें से 5/7 को माइनस कर दे कॉमन लेने के लिए तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 7/7 यानी कि 1। ठीक है, तो इसका मतलब 12/7 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1 + 5/7 लिख सकते हो। ओके, और ये हो गया 5/7, यहां से आपने कॉमन भी ले लिया अगर 5/7, तो आपका क्या बच रहा है, आपका बच रहा है x - 1, ये कहीं से भी बराबर नहीं है x के। ओके, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओगे तो ये हो जाएगा आपका, लेट्स डिलीट इट फर्स्ट। इस पे आ गए तो क्या हो गया आपका, ये हो गया x की पावर 4/3 मल्टीप्लाई हो गया, और ये 1/12 आ जाएगा यहाँ डिवाइड में। ठीक, डिवाइड में आ गया तो ये इसको डिवाइड कर देगा, तो आपका आंसर आया x की पावर -9 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू x, ये भी ऑप्शन गलत हो गया है ना। नाउ थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, √x³ और बाहर है आपका 2/3। चलो ये अंडर रूट हटा देते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया 3/2 और बाहर 2/3 है, ये सब आपस में कट गया और आपको मिला x। तो ये वो आंसर है जिसकी हमें तलाश थी, यानी कि x के बराबर आना था।
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन है। लेट्स चेक इट। सो यस, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके 21 क्वेश्चंस अलोंग विद दैट वन सैंपल क्वेश्चन। सो ऑल टोटल 22 क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइज 1.1 में देखे एंड सारे ही क्वेश्चंस बहुत इजी थे। जस्ट आपको क्या याद होना चाहिए, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए कि कब पावर्स ऐड होती है, कब पावर्स मल्टीप्लाई होती है, और दूसरी कुछ प्रैक्टिस पहले से होनी चाहिए इस चीज की कि अगर आपको 48 की पावर लगा दी गई है या 32 की पावर लगा दी है तो सबसे पहले आप अपने नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स की पावर में कन्वर्ट करो। इन दैट केस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है, ठीक है, और क्लियरिटी आ जाती है कि हाँ हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। ओके सो इसको प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन भी आपको करने हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।